मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया की कांग्रेस से इस्तीफा देने के बाद मध्य प्रदेश की राजनीति में उथल पुथल मच गई है। जी हां, बता दें आपको कि सिंधिया ने कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया है। सिंधिया के पार्टी छोड़ते ही कांग्रेस के अब तक 22 विधायक इस्तीफा दे चुके हैं। इसके बाद कांग्रेस अब बचे हुए विधायकों को मध्य प्रदेश से जयपुर ले जाने वाली है। वहीं बीजेपी ने विधायक दल की बैठक के बाद अपने विधायकों को वाया दिल्ली गुरुग्राम शिफ्ट कर दिया। बीजेपी विधायक भोपाल स्थित पार्टी दफ्तर से बस में सवार हुए और फिर विमान से दिल्ली ले जाए गए। इसके बाद बुधवार तड़के विधायकों को गुरुग्राम के एक होटल ले जाया गया। कमलनाथ ने विधायकों के इस्तीफे के बाद भी दावा किया कि उनकी सरकार को कोई खतरा नहीं है। उन्होंने कहा, चिंता की कोई बात नहीं, हम बहुमत साबित करेंगे और सरकार कार्यकाल पूरा करेगी। कांग्रेस की मीडिया विभाग के अध्यक्ष शोभा ओझा ने बताया कि बैठक में 94 विधायक पहुंचे और कई विधायक मुख्यमंत्री कमलनाथ के संपर्क में हैं। इन विधायकों को राज्यसभा के नाम पर ले जाया गया था और उनसे दल बदल कराया जाएगा। इससे वे अनजान थे, लिहाजा कांग्रेस के विधायक कांग्रेस व कमलनाथ के साथ हैं। विधानसभा में कांग्रेस बहुमत साबित करेगी। SPN9 न्यूज रूम से श्रुतिक रिपोर्ट।